शिविका भी यहीं पे है, इस प्लीज कम शिविका। सुनो ना, इसका नाम क्या है? भरत अननेम। शोशापर भी बन सकती है। थैंक यू, दैट्स वेरी काइंड। हमेशा बोल। ओके तो कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? बहुत मजा आया, स्पेशली क्योंकि शुभिका के साथ। फॉर मी इट्स वेरी स्पेशल व्हेन आई वॉक फॉर शुभिका, या जब भी मैं उनके कपड़े पहनती हूँ, आई फील मैं उनके लिए हमेशा, आई बेटर ऑलवेज बी योर मीस, बट आई जेन्युइनली फील दैट्स अ स्पेशल बॉन्ड हियर, क्योंकि जो भी वो बनाती है ऐसा लगता है वो बस मेरे लिए ही बनाया गया है। इट्स वेरी यूनिक, और ऐसे ऐसे तो मैंने कभी कभी किसी इंडियन आउटफिट पे नहीं देखा जिसपे रिबन्स भी है, रिबन्स भी है, मेटालिक्स भी है। कैमराज के लिए मैं एक बार ज़ूम कर लेती हूँ, बट ट्रूली ट्रूली अ गिफ्टेड डिज़ाइनर, वेरी टैलेंटेड। थैंक यू। सो जब भी मैं डिज़ाइन करती हूँ, मेरे से लोग अक्सर पूछते हैं इंस्पिरेशन क्या है। मेरी इंस्पिरेशन हमेशा मेरी म्यूज रही है, वो परफेक्टली फ्लॉट जैसे बोलते हैं वो लड़की, जो प्रिटी भी है, डेलिकेट भी है, सुंदर भी है, बट एट द सेम टाइम वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है और अनप्रेडिक्टेबल है। तो मैं हमेशा ऐसे लड़की को ध्यान में रख के डिज़ाइन करती हूँ हर बार, और वही मेरी इंस्पिरेशन होती है। दैट्स व्हाई कियारा को लगता है कि मैं सब उनके लिए डिज़ाइन करती हूँ, बिकॉज शी परफेक्टली फिट्स दैट यू नो, सम डेज शी कैन लुक टोटली प्रिटी, एंड अदर डेज इफ यू सी हर इन जस्ट हर डेनिम्स एंड हर गंजी, शी कैन लुक रियली कूल। तो हॉट कूल की कॉम्बिनेशन। अच्छा है ना, बहुत ब्यूटीफुली कॉम्प्लीमेंट कर रही है ज्वेलरी। इट्स बाय जयपुर जेम्स। सो या आई थिंक ज्वेलरीज आर इम्पोर्टेंट टू गो विथ द क्लोथ एंड टू कॉम्प्लीमेंट, और पूरा स्टाइलिंग का क्रेडिट मैं शुभिका को दूंगी, क्योंकि उन्होंने ही ये सब सिलेक्ट किया है। किसकी शादी? आपकी। अपने तो क्या करो, वो बस आ जाते हैं गाने सुनते ही मेरी उंगलियाँ। अच्छा, काफ़ी स्पॉन्टेनियस है, थैंक गॉड वही तक था, उससे ज़्यादा मैंने कुछ किया नहीं था। वो लहंगा की वजह से था, बट आई थिंक, बट इट्स नाइस ना, क्यों नहीं, जस्ट हैव अ लिटिल बिट ऑफ फन, दैट्स व्हाट वी डिड। Honestly, I feel the collection, and especially this theme of Shubhika's Ribbon Around a Bomb, it completely goes with my personality, because I feel I'm really badass inside, but somehow I always look like this pretty girl outside. So that's the thing, like she said, we're all flawed in, you know, in our own ways, and the beauty of it is owning up to it and, you know, being confident in your own skin. So you can be a bit of both, and we all are, you know, we all have multiple personalities and different sides to us. So yeah, I feel like a ribbon around a bomb, especially today. So do you think that is also going to be the fashion trend for this season? Of course it is. Be bold, be beautiful, and we want it all. We want our clothes to be the talking, and, you know, be the statement as well, and just reflect our personality, and we all are like that, so why not? And be fun and be different every day, you know? Ek type ka hi nahi lagna hai hamesha. Kabhi pretty lago, kabhi cool lago, kabhi fun lago. So, I think trends should keep changing. It should not really be a trend story. It should be more like your own personality and your own mood and your own feel. Ki aaj subah utke mujhe mood kiya ki main aaj aise lagun. That's how easy it should be, fashion should be, yeah. ओके, अब मैं यहीं पे देखूंगी आप लोग सब। मैं तो इनको आना चाहिए। अरे 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 ओके ओके, बोलिए बोलिए, आप जोर से। जी 20 अप्रैल को हमारी फिल्म भरत अननेम, जो
मेरे लिए माई फर्स्ट माई डेब्यू तेलुगु प्रोजेक्ट वो रिलीज़ हो रही है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं आई रियली वॉन्ट एवरीबडी टू गो वॉच द फिल्म एंड टेल मी हाउ दे लाइक इट. मैं आई एम वेटिंग फॉर द ऑडियंस रिएक्शन, तो शेयर करने के लिए आई एम एक्साइटेड. 20 दिन बचे हैं. आई होप आई हैव योर गुड विशेज विथ मी एंड विद आर टीम. और हमने एक और अनाउंसमेंट किया है, करण जौहर का जो फिल्म है लास्ट स्टोरीज, रॉनी स्क्रूवाला और आशी दुआ ने प्रोड्यूस किया है. चार फिल्म मेकर्स हैं, करण जौहर, जोया अख्तर, दिवाकर बैनर्जी और अनुराग कश्यप. चारों ने अपनी फिल्म शॉर्ट फिल्म्स को एक फिल्म बनाया है लास्ट स्टोरीज, जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होने वाली है जून में. तो ये दोनों प्रोजेक्ट्स मेरे रिलीज़ होने वाले हैं, सो आई एम वेरी एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एंड एक्साइटेड टू शेयर इट विद द ऑडियंस. भरत आने नेटफ्लिक्स अभी तो टाइम है जून, अब तो अप्रैल में है. मैं एक हैदराबादी, एक लोकल हैदराबादी लड़की के किरदार निभा रही हूँ. जी जी. आई थिंक बिल्कुल डिफरेंट नहीं होता है, बस लैंग्वेज एक चीज़ है जो जो अलग है, उसके अलावा सब सेम है. काम करने का तरीका से लेके एक्टिंग, इमोशंस, दीज आर यूनिवर्सल थिंग्स, तो नेचुरली इट्स द सेम. एंड इट्स रियली अमेजिंग कि आज वी डोंट लुक एट इट लाइक साउथ, नॉर्थ, पंजाबी, यू नो, वी हैव, वी आर वन बिग कंट्री विथ मिक्सड कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस एंड ऑल आर फिल्म्स आर डूइंग सो वेल. सो आई जस्ट थिंक एज इंडियंस वी शुड बी रियली प्राउड एंड सेलिब्रेट ऑल दीज वंडरफुल फिल्म्स. एंड इट्स ग्रेट दैट यू नो वी हैव सच अ वाइड ऑडियंस एंड वी कैन ब्रिंग दीज फिल्म्स टू सो मेनी पीपल. थैंक यू. थैंक यू सो मच. Definitely. Thank you so much. Thank you guys. That's fine. Husband, I think we did.